हेलो गाइस, इट्स मुसा शेख एंड वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं फुल रेडी हो चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेरा थोड़ा काम है। तो उसके बाद जाऊँगा मार्केट, वहाँ पे भी थोड़ा काम है। तो फिर उसके बाद जो आगे का सीन बनाएंगे, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ ये दोनों काम करने। हो सकता है वहाँ पे छूट थोड़ा नॉर्मल करूँ, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। उनसे जैसे भी मैं निकल जाऊँ तो रास्ते में कुछ खा पी लेते, नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। टाइम भी तकरीबन 2:30 हो गए, तो मैं जल्दी जल्दी से निकलता हूँ, आपसे वहीं पर मिलते हैं। तो गाइस बहुत ही खुआड़ी और वेट के बाद फाइनली यूनि का काम हो चुका है। बट यार इस दफा बहुत न्यू एडमिशन आई है, मैं लिटरली अभी तो खैर कम हो गई बिकॉज टाइमिंग होगी क्लासेस की। इतनी रश थी मतलब घुटन हो रही थी, इतनी ज्यादा रश थी। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ मार्केट, रास्ते में करते हैं नाश्ता वगैरह। लिटरली साढ़े तीन बजे मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो अभी जल्दी जल्दी निकलता हूँ। 5 मिनट बैठा हुआ था बेड पे बिकॉज घंटा लाइन में खड़ा हुआ था, हालत हो गई टाइट। तो अभी जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं मार्केट। अभी वापस आया हूँ, यकीन जाने हालत ऐसी हो गई है। टाइम देखे 3:15 बजे गया था, 8:15 मीन्स 5 घंटे। फिर मैं थोड़ी देर करता हूँ रेस्ट, उसके बाद जो है निकलते हैं बाहर बिकॉज व्लॉगिंग आज कुछ भी नहीं है। सो थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फिलहाल तो टाइट हो गया हालत ही। गाइस लिटरली अभी आया हूँ फ्लैट पर, इतने सारे फटाके बम इतनी आवाजें लगी पड़ी है और मुझे याद नहीं था कि आज दिवाली है। सबसे पहले तो थोड़ी लेट हो गया, आप सब लोगों को विश कर लूँ, जो भी मेरे नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स हैं, इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो आज जो मुझे लग रहा है सोने नहीं देंगे ये, बट कोई मसला नहीं, हर किसी का अपना फेस्टिवल है। जैसे हमारी ईद्स होती है तो इनकी दिवाली, मतलब इनके भी फेस्टिवल्स है, ये भी इंजॉय करें इनका भी आके। तो फिलहाल तो मैं थोड़ी देर बैठा हुआ हूँ, बट आप सुन लें एक दो दफा। यहाँ से सही मिल दिख नहीं रहा, लोग अपने छतों पे हैं, कोई कहाँ पे तो सही से दिख नहीं रहा, बट आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। एंजॉय भी कर रहा हूँ, डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, बट एनीवेज अच्छी बात है। हर कोई बोलने भी नहीं दे रहे, चले हैप्पी दिवाली वंस अगेन। तो गाइस अभी मैं निकला हुआ था डिनर करने और यहाँ पे बच्चे लगे हुए अपने एंजॉयमेंट में। तो गाइस मैं बाहर गया हुआ था डिनर करने, फटाके वगैरह देख के मैं ऊपर भाग के आ गया, क्योंकि सच बताऊं तो फटाकों से, जानवरों से, मतलब कुछ भी हो, मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। क्या छुपाएं आपसे, आप से तो खैर हर बात शेयर करता हूँ, मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं आ गया ऊपर भाग के, भूख भी टाइट लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक शेक वगैरह पिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि 5-10 मिनट ये ब्रेक लगाएं तो फिर मैं जल्दी से जाऊँ अपना डिनर करके आ जाऊँ। सो लेट्स सी क्या होता है, भूख तो मुझे टाइट लगी हुई है। तो गाइस अभी फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जा रहा हूँ डिनर करने, बिकॉज ये सारी रात लगे रहेंगे और भूख से हालत हो रही मेरी टाइट। तो आज जो मेरा मूड हो रहा है वो फास्ट फूड का, रास्ते में देखते हैं कि कोई अच्छा सा मिल जाए। एक में वैसे देख के आया हूँ, जब मैं गया हुआ था फटाके मतलब हो रहे थे तो मैं देख के आ गया हूँ। तो अभी फाइनली उससे जा रहा हूँ लेने, तो वो भी आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो गाइस ये है वो जो मैं देख के गया हुआ था। This is the menu. मेरा मूड टील पे हो रहा है, ये सब देख के मुंह में पानी आ रहा है। गाइस डील 4 कर दें, स्पाइसी और अच्छी करके। तो गाइस मैं करवा रहा हूँ पार्सल, बिकॉज यहाँ पे कोई बैठने वगैरह का सीन नहीं है, तो मैं करवाता हूँ पार्सल, घर पे खाते हैं सुकून से। और यहाँ पे तो फिर आवाजें भी टाइट आएंगी, तो सजा से चलते हैं घर। बाकी लग तो ओके रहा है अभी, होप सो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो जल्दी से रेडी होता है फिर चलते हैं घर। और केचप भी रास्ते तो पकड़ते हैं, क्या चीज़ है
पोटैटो स्पाइरल पोटैटो मुझे लगा वो है एक गाड़ी बनाना में मुझे लगा बनाना है ना, तो ये भी अच्छी लग रही है। ये मैदे का प्लेटर लगाते हैं थोड़ा सा कड़क करने के लिए। सही सही सही। इस दिल कह रहा है ये भी ले लूं, मैं ले रहा हूं डील 4। डील 4 में ऐड है। अच्छा है डील 4 बोलिए ना। जी जी इसमें ऐड है, ये मैंने भी आपके लगाई है। ओके ओ गाइस, ये तो मतलब सोने पे सुहाग अच्छा हो गया। वैसे ये मैंने ये नहीं देखा हुआ था, मैंने देखा जिंगर और ड्रम। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। नहीं नहीं स्पाइसी, नॉर्मल बच्चे खाते हैं। ये अपने चिकन ओए मसाले सेकेंड मायो। ये अपना लव केचप। जबरदस्त लगे हुए। नहीं स्पाइरल स्टार्ट कर दें। ओए होए केचप सॉस। लिटरली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ खाने के लिए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो मैं ये टेस्ट करूंगा, उसके बाद आपको जायका वगैरह बताऊंगा। अदरवाइज मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए, बिकॉज ये स्पाइरल मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। लग भी अच्छी रही है, ये आप चेक करें यार। वैसे ये मेरा फूड ब्लॉग नहीं है, कभी इनके पास इंशाल्लाह जाएंगे, फुल फूड की डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल मैं जस्ट ट्राई करके आपको बताता हूँ। गाइस स्पाइरल पे बंदा अच्छी बात है रियल रिकमेंड करे, मतलब सही है, बेस्ट भी नहीं है खराब भी नहीं है, सही है। अब बारी है जिंगर की, जो मेरे पास कंट्रोल नहीं हो रहा है इस पर। जबरदस्त जिंगर बेहतरीन है। मैंने भाई को बोला था मायो ज्यादा कर दे, बहुत ज्यादा और बेहतरीन टेस्ट है जिंगर का। अरे मैं परेशान था, मेरा ब्लॉग छोटा बना हुआ है, बट अल्लाह पाक के फजल और करम से बेहतरीन बन गया। एक तो दिवाली भी हो गई, वो भी थोड़ा छूट हो गया, ये भी हो गया बेहतरीन। तो आई विंगर होके बाकी इंशाल्लाह एक दिन अच्छी डिटेल में वीडियो बनाएंगे इनकी फूड ब्लॉग के चैनल में। अभी ये ब्लॉग के लिए यही है, अभी इस ब्लॉग को यहीं पे करने लगा हूँ एंड आई होप कि लोग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अरे इस पर अच्छा बना हुआ, ऊपर वाले एक दो दाने सही नहीं थे, नीचे भी होके बना हुआ है। मैं ड्रमिस्ट्री का बताना भूल गया था, बेहतरीन बनी है ड्रमिस्ट्री। ओवरऑल एवरीथिंग इज बेस्ट।